गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायोलॉजी लेक्चर। और बच्चों, आज जो अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो अपन आगे पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम चलता है उसके अंदर जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड का मीन्स क्या होता है कि अपन जैसे बकल कैविटी की बात करते हैं, वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, उसके बाद स्टोमक में पार्शियल डाइजेशन हुआ था, आपके जो पार्शियल डाइजेशन वहाँ पे किसका, बकल कैविटी में प्रोटीन्स का हुआ था, है ना। और फिर अपन बात करते हैं स्टोमक के अंदर, तो पार्शियल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हुआ था, ठीक है। और आपके जो इंटेस्टाइन की बात करें तो वहाँ पर डाइजेशन हुआ था। तो इस प्रकार से बात करेंगे जो डाइजेशन हुआ है, ठीक है, जैसे अपन बात बकल कैविटी के अंदर डाइजेशन हुआ, स्टोमक के अंदर डाइजेशन हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तो उसके अंदर डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन का मीन्स क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल थे, मैक्रो मॉलिक्यूल थे, ब्रेक डाउन थे तो सिंपल मॉलिक्यूल एंड एब्जॉर्बर मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स का मीन्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। तो मीन्स क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट डाइजेशन का मीन्स क्या होता है कि ब्रेक डाउन यूनिट तो सिंपल यूनिट ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन। सेकेंड बात करते हैं, जो अपन फैट की बात करते हैं, फैट की जो अपन बात करें तो फैट के अंदर जो आपके बात करते हैं यूनिट होती है, जो एब्जॉर्बल यूनिट होती है, तो एब्जॉर्बल यूनिट की बात करें फैट के अंदर, तो फैट के अंदर कौन सी हो जाएगी, तो फैट का जो कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर हो जाता है। तो इसका अपन सिंपल यूनिट हो जाती है फैटी एसिड, और जो ग्लिसरॉल होते हैं वो दूसरे जो जैसे अपन बात करते हैं बाइल साल्ट के साथ में जो मिसेल बनाते हैं, मिसेल से काइलोमाइकोन बनता है, काइलोमाइकोन से फिर ये लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे हमने आज पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा जो अपन बात करें प्रोटीन की, सबसे सिंपल यूनिट क्या होती है, प्रोटीन का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन टू एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो होते हैं इंटेस्टाइन से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्बिंग बात के है तो एब्जॉर्बिंग सबस्टेंसेस क्या है, डाइजेस्टेड सबस्टेंसेस क्या है, डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट क्या है, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं विच आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन। और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की बात करते हैं ग्लूकोज हो सकता है, एमिनो एसिड्स के फैट फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल से दीज आर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एंड दीज एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अपन इनकी बात करते हैं, डाइजेस्टिव जो प्रोडक्ट है व्हेन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इंटेस्टाइनल लुमेन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का मीन्स क्या हो गया कि लिम्फ वेसल और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। देखिए कि ट्रांसफर ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेस्टेड फॉर्म, डाइजेस्टेड फॉर्म की एंड प्रोडक्ट की बात करें, ट्रांसफर ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फॉर्म, डाइजेस्टेड फॉर्म की बात करें, यहाँ फैट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है इन डाइजेस्टेड फॉर्म का, होता है कार्बोहाइड्रेट की बात करें इनका एंड प्रोडक्ट, डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है, प्रोटीन की बात करते हैं तो उनका डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है एमिनो एसिड्स होता है, फैट की बात करते हैं तो इनका डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट होता है फैट का तो वो क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जब इंटेस्टाइन लुमेन से सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बोलते लिम्फ और ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द सर्कुलेटरी फ्लूड लिम्फ एंड ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब ट्रांसपोर्ट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस एब्जॉर्ब इन लुमेन, सॉरी मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन इलियम, ठीक है, इट इज स्मॉल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट ऑफ द सबस्टांस एब्जॉर्ब इन द इलियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपन जब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस एब्जॉर्ब इन द इलियम, इलियम की थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ठीक है, इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इलियम जो पार्ट होता है वो जिस जॉइंट टू द सिकम पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इलियोसिकल वॉल जहाँ पाया जाता है याद करो। तो ये जो इलियम के मोस्ट ऑफ द सबस्टांसेस जो ऑब्जर्व होते हैं जो इलियम के अंदर होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जैसे अपन ऊपर पढ़ा था डाइजेशन प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकरिंग इन द ड्यूडेनम एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द एब्जॉर्प्शन,
ठीक है, तो उसमें भी अपन बात करते हैं तो ज्यादातर जो सबस्टांस जो एब्जॉर्ब होते हैं वो कहाँ होते हैं, ईलियम के अंदर होते हैं। इसके बाद जैसे बात करते हैं कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डिफरेंट सबस्टांसेस, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें डिफरेंट तो सबस्टांस एब्जॉर्ब कौन कौन से करते हो, माउथ की बात करते हैं तो माउथ के अंदर सर्टेन ड्रग्स जैसे एब्जॉर्ब होते हैं, अपन बात नाइट्रोजन सीन है आपको पता, सबलिंगुअल रूट से सबलिंगुअल रूट है अजीब के नीचे रहते हैं वो माउथ से एब्जॉर्ब होती है नाइट्रोजन सीन जो ड्रग आती है, ठीक है, जो हार्ट अटैक में देते हैं, तो जो मुंह के अंदर या जीभ के नीचे रखते हैं सबलिंगुअल रूट बोलते हैं इसको, तो वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, तो मतलब सर्टेन ड्रग्स एब्जॉर्ब इन द माउथ, ठीक है। तो स्टोमक के अंदर क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, जो स्टोमक के अंदर स्टोमक में वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, सम ड्रग्स एब्जॉर्ब होती है, सम ड्रग्स एंड एल्कोहल दीज आर सोलबल इन फैट, मतलब जो फैट के अंदर सोलबल्स होते हैं वो सब्सटेंसेस जो होते हैं विद सब्सटेंसेस विच आर सोलबल इन फैट आर एब्जॉर्ब इन द स्टोमक, तो स्टोमक के अंदर जो होते हैं मतलब फैट के अंदर सोलबल सब्सटेंसेस जैसे अपन बात करें एल्कोहल है, सम ड्रग्स है, वाटर है, वाटर भी सम अमाउंट में एब्जॉर्ब होता ही, तो इस प्रकार, ठीक है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड विटामिन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग विटामिन एंड मिनरल्स ये भी जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन से कौन कौन से होते हैं बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन स्पेशली जो कोलन होता है वो इसके एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, भाग लेता है, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं स्पेशली पोटेशियम जो होता है, याद देखना कोलन की बात करें तो कोलन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन मोस्ट होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, कोलन पार्ट होता है आपको पता है एसेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग थ्री पार्ट्स होते हैं कोलन के, तो कोलन के अंदर मोस्ट ऑफ द जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है, तो कोलन के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर होता है एंड सम मिनरल्स मोस्ट ऑफ द पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जो होता है और वाटर होता है ये मोस्टली एब्जॉर्ब होता है कोलन से, इसके साथ में और भी कुछ मिनरल्स सम ड्रग्स आर आल्सो एब्जॉर्ब थ्रू द कोलन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद है ईलियम इज द चीफ एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, अपन यहाँ पढ़ा है ऊपर पढ़ा है बच्चों, देखो ईलियम इज द चीफ पार्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ईलियम इज द चीफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ईलियम की बात करते हैं ईलियम इज द चीफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द इट्स कोल्ड प्रेजेंस ऑफ द विलाई माइक्रोवेव द सरफेस एरिया ऑफ द इंटरनल इंटेस्टाइन या म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन इंक्रीज मोर देन 100 टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों कि जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन कोल्ड होती है, ठीक है, कोल्ड होती है और कोल्ड के बाद क्या उसे फोल्डेड होती है और फोल्डेड के बाद उसके बाद विलाई पाई जाती है, विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई पाई जाती है, दिस ऑल द स्ट्रक्चर टुगेदर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ रहे हो कि आपको पता है कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्डेड होती है, फिर उसके ऊपर क्या पाई जाती है विलाई पाई जाती है ये, ठीक है, इस प्रकार से विलाई और पाई जाती है, विलाई के ऊपर क्या ये माइक्रो विलाई पाई जाती है, ठीक है, इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है, ठीक है, ये जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज होते हुए सरफेस एरिया है जो ये सरफेस एरिया होता है 100 टाइम इंक्रीज, ठीक है, तो बात करते हैं 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो इसमें बात करते हैं देखो ईलियम इज द चीफ एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन, ओके कोई दिक्कत नहीं है, चीफ एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है ड्यू टू इट्स कोल्ड एंड प्रेजेंस ऑफ द विलाई माइक्रो द सरफेस एरिया इंक्रीज द माइक्रो विलाई प्रेजेंट ऑन द सेल ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद आती है कि आपको पता है जो माइक्रो विलाई प्रेजेंट होती है माइक्रो विलाई प्रेजेंट ऑन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है, द माइक्रो विलाई प्रेजेंट ऑन द सेल ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन टुगेदर फॉर्म द ब्रूस वाटर, ब्रूस वाटर ये ब्रूस वाटर है बच्चों, देखो ये ठीक है ये ब्रूस वाटर निर्माण होते हैं ब्रूस वाटर, ठीक है, ये विलाई है, ठीक है, इसके ऊपर छोटी छोटी और जो स्ट्रक्चर है इसको माइक्रो विलाई बोलते हैं, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं माइक्रो विलाई प्रेजेंट होते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन माइक्रो विलाई प्रेजेंट होता है दिस क्रिएट द टुगेदर फॉर्म द ब्रूस वाटर, इससे क्या होता है ब्रूस वाटर का निर्माण होता है और ब्रूस वाटर ही क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ये ब्रूस वाटर ही है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये देखो ब्रूस वाटर, ये ब्रूस वाटर बनता है किसकी वजह से, बनता है विलाई है माइक्रो विलाई है प्रेजेंट ऑन द माइक्रोवेव प्रेजेंट ऑन द म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन
टुगेदर फॉर्म द ब्रूस वॉटर, ठीक है, विलाई है। और इस बार बात करते हैं द विलाई हैज ए सेंट्रल, विलाई की बात करें तो आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी पहले, याद होगा आपको कि जब विलाई स्ट्रक्चर की बात करते हैं विलाई की स्ट्रक्चर की बात करें तो विलाई ईच विलाई हैज ए सेंट्रल लिम्फ वेसल एंड ब्लड कैपिलरीज। देखो इस प्रकार स्ट्रक्चर अपने पढ़ी थी, ये विलाई है, इसके अंदर सेंट्रल ये क्या थी, लिम्फ वेसल थी, ठीक है, जिसको लेक्टर बोला था अपने, ठीक है, ये इस प्रकार से, और इसके चारों तरफ किसका था, ब्लड जो सेल्स होती है ब्लड कैपिलरीज उनका गुच्छा था इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ठीक है, ये आर्टरी आती है और वेन बाहर निकलती है, तो इस प्रकार से ये विलाई थी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ईच विलाई हैज ए सेंट्रल लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल होती है, बीच में लिम्फ कैपिलरी, ठीक है, ये बीच में लिम्फ होती है, एंड इट सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, ये किससे सराउंड रहती है, ब्लड कैपिलरीज से सराउंड रहती है। तो ये स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ईच विलाई की बात करें, विलाई के अंदर क्या होता है, एक तो जो लेक्टल होती है इसको लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं, लिम्फ कैपिलरी होती है इसको सप्लाई करती है और ब्लड कैपिलरी इसको सराउंड करती है, इसी के ये जो लेक्टल होती है या जो लिम्फ सिस्टम होता है ये स्पेशली इन्वॉल्व द फैट एब्जॉर्प्शन, ये किसके एब्जॉर्प्शन में काम होता है, फैट के एब्जॉर्प्शन में, जिसको हिंदी में वसा बोलते हैं, वसा के एब्जॉर्प्शन में ये काम आता है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है द मेन पार्ट ऑफ डाइजेशन मेनली एब्जॉर्ब आर मोनोसैकेराइड, ठीक है, जो मेन प्रोडक्ट है डाइजेशन की, द मेन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मेनली एब्जॉर्ब आर मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है, दीज आर द डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, एंड सेकेंड आर द एमिनो एसिड्स, ठीक है, दीज आर डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन, एंड थर्ड वन आर द मोनोस ग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, ठीक है, दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन। तो दीज आर द प्रोडक्ट विच आर एब्जॉर्ब थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली ईलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चों ये लाइन अपन ने डिस्कस करी है, ठीक है, ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तो ये लिख भी रखी है अपन ने, द मेन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मेनली एब्जॉर्ब, द मेन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन मतलब तो किसी भी सबस्टांस से मैक्रोमोलिक्यूल के डाइजेशन से जो एंड प्रोडक्ट बना है, ये मेन प्रोडक्ट बना है, वो जो एब्जॉर्ब होता है वो कौन कौन से आर मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स में कौन से है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है एंड फ्रक्टोज है, एंड एमिनो एसिड दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन, एंड मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फैटी डाइजेशन, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों, वो बात आती है कि जो मेन जो मेथड्स होता है, द मेन मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो अपन बात करते हैं मेन मेथड की बात करते हैं कि द मेन मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। क्या होता है मेन मेथड की बात करें तो एब्जॉर्प्शन का जो मेन मेथड होता है, द मेन मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द मेन मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। क्या होता है बच्चों मेन मेथड की बात करें, मेन मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, ठीक है, क्या होता है डिफ्यूजन, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज। यहां पर एक बात और आती है कि अपन जो बात करते हैं एमिनो एसिड की बात करते हैं, विच इज एंड प्रोडक्ट डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन, एंड ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड। ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, एमिनो एसिड्स है, ठीक है, एंड ग्लूकोज है, ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अपन ये मेन प्रोसेस क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये जो होते हैं एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहे हैं किसके द्वारा होते हैं ब्लड के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। एक्टिव का नाम हो गया इसका मतलब दिस यूटिलाइज द एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट, एक्टिव का यहाँ पर नाम आ जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम आ गया बच्चों, इट मीन्स क्या हो गया दिस यूटिलाइज द एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट, मीन्स क्या हो गया
दीज यूटिलाइज द एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ओके, तो यहां पर क्या होता है, इनके ट्रांसपोर्ट में मदद मिलती है। ओके, अब देखो ट्रांसपोर्ट की मदद बात अपन किसकी बात की, एमिनो एसिड की बात की, ग्लूकोज की बात की। देखो एमिनो एसिड जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके, सिंपल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ये सोडियम का एक जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट उसके साथ एमिनो एसिड का एक मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। देखो ये सिंपल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो सोडियम और एमिनो एसिड साथ में हो रहे और दिस रिक्वायर्ड एटीपी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा है देखो ग्लूकोज की अपने बात, ग्लूकोज हमेशा किसके साथ एब्जॉर्ब होता है, तो सोडियम के साथ एब्जॉर्ब होता है। देखो सोडियम का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो ग्लूकोज किसके साथ एक जो है, सोडियम के मॉलिक्यूल के साथ। इस प्रकार से दीज आल्सो रिक्वायर्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सो दीज आल्सो रिक्वायर्ड द एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बुक में आपके नहीं दिखाने का, मैंने डायग्राम बनाया कि जो वाटर होता है डिफ्यूजन के थ्रू परिवेश एंटर कर रहा है और दिस रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन एंड सोडियम एब्जॉर्ब विद एमिनो एसिड एंड सोडियम आल्सो एब्जॉर्ब विद ग्लूकोज एंड दिस रीच टू द ह्यूमन सेल्स, ठीक है, एंड देन इंटू द सर्कुलेशन। फर्दर सोडियम इंटर थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंटीपोर्ट सिस्टम थ्रू द विद पोटेशियम। देखो पोटेशियम के साथ में इसमें देखो एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट का मतलब होता है जब सोडियम के तीन मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं तो दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं पोटेशियम के बाहर आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये सोडियम अंदर ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचता है। यहाँ पे देखो ये एटीपी, दिस रिक्वायर एटीपी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा है एटीपी। तो यहाँ पर अगर तीन मॉलिक्यूल में बोलूँ, तीन मॉलिक्यूल सोडियम के अंदर गए हैं, दो मॉलिक्यूल जो पोटेशियम के होते हैं वो बाहर आते हैं, मतलब दिस कॉल्ड एंटीपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो ये एब्जॉर्प्शन का हो रहा है। तो इस प्रकार से जो ये चीज़ें मैंने बताई है, अब बात आती है कि फैट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। देखो फैट एब्जॉर्प्शन की बात करें तो फैट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल बाय द डिफ्यूजन इनटू द लिम्फ, ठीक है। सिंपल सी बात है, फैट के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो फैट तो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। फैट के एब्जॉर्प्शन, फैट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मोनोग्लिसराइड, फैट की बात करें फैट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल इनटू द बाय द डिफ्यूजन इनटू द लिम्फ, ठीक है। अब देखो फैट होती है, सबसे पहले अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं, बुक के अंदर जो दिया गया करेगा उसको एक इसे डायग्राम से समझा दूंगा आपको कि जो भी फैट होती है, मतलब फैट होती है चाहे मोनोग्लिसराइड की बात कर लो चाहे आप फैटी एसिड की बात कर लो, फैटी एसिड ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, वाटर रिप्लेंट करती है, ठीक है। तो ये जो कायम होता है उसमें डिजोल्व नहीं होती है, तो इसलिए सबसे पहले बच्चों जो फैट होती है कंबाइंड विद बाइल साल्ट, ठीक है। बाइल साल्ट होता है, बाइल साल्ट के जो टू फॉर्म्स होती है, एक जो आउटर फॉर्म्स होती है विच आर वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक होती है, इनमें जो होता है पार्ट होता है इसका बाइल साल्ट या जो क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है एंड विच फैट लविंग। तो इसमें पर जब बाइल साल्ट एक फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है तो ये किस प्रकार चसना बनती है, देखो ये जो फैटी एसिड है इसके साथ जो बाइल साल्ट होगा तो इसकी टू फॉर्म्स होती है, ठीक है। आउटर फॉर्म्स होती है ये जो हाइड्रोफिलिक होती है आउटर साइड होती है, हाइड्रोफोबिक अंदर साइड होती है, इनर साइड होती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। इस प्रकार स्ट्रक्चर बनने से क्या फायदा होगा बच्चों, ये मिससेल्स है और जिसका जो इनर पार्ट होता है जो, ठीक है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है इट अटैच टू द फैट सरफेस एंड द आउटर सरफेस विच इज द हाइड्रोफिलिक डिजोल्व इन द वाटर ऑफ द फूड, ठीक है। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार से अंदर क्या है फैट है और बाहर क्या है बाइल साल्ट है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर फैट होती है कवर हो जाती है किसी बाइल साल्ट से, ठीक है। और बाइल साल्ट की बाहर की जो लेयर होती है जैसे मैंने बताया ये हाइड्रोफिलिक होती है डिजोल्व इन द फूड वाटर ऑफ द फूड, ठीक है, इसमें डिजोल्व होती है, इससे क्या होता है ये ट्रेवल करता रहता है, ठीक है। और इसको क्या बोले मिसेल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे ये स्ट्रक्चर बने, इसको क्या बोला होता है यहाँ पे मिसेल बोला मैंने, ठीक है। फैटी एसिड और जो बाइल है उससे जो स्ट्रक्चर इसको क्या बोले मिसेल बोलते हैं। मिसेल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 3 to 6 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, 3 to 6 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये जो है, ठीक है, मिसेल है। अब मिसेल क्या होता है, जैसे ही गोज टू टच विद माइक्रोविलाई या जैसे हम बात कर रहे हैं या इन द व्हेन कम कॉन्टेक्ट विद द विलाई, ठीक है, तो ये क्या करती है तो ये वापस डिसोसिएट हो जाती है, बाइल साल्ट हट जाता है इससे, दूर से बाइल साल्ट हट जाता है और जो ये फैट होती है ये अंदर चली जाती है। फैटी एसिड क्या होती है इसके अंदर
जो सेल्स होती है, जो म्यूकोसल सेल्स होती है, इसके अंदर चलेगी इस प्रकार से, ठीक है, जो मेम्ब्रेन की जो सेल्स उसके अंदर चली जाती है, वहाँ फैटी सेल, और वहाँ पर जाके ये किसके अंदर इंटर करती है बच्चों, वहाँ पर जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंटर करती है, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाके इट कन्वर्ट टू ट्राइग्लिसराइड, वहाँ जाके किस में कन्वर्ट होती है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में कन्वर्ट, जो फैटी सेल है इंटर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट फॉर्म द उसको से क्या बन गई, प्रोटीन ने कवर कर लिया, ठीक है, ये प्रोटीन कवर्ड दिस ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, इसको चारों तरफ से क्या कर लिया, कवर कर लिया, इससे क्या बन जाए, प्रोटीन से, तो प्रोटीन ये लिपिड है बाहर, क्या प्रोटीन, तो ये क्या लिपोप्रोटीन बन गया, और लिपोप्रोटीन जो बड़ा है, जो ट्राइग्लिसराइड कवर्ड विद द प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन स्पेशली नेम्ड इट द काइलोमाइक्रोन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, काइलोमाइक्रोन, जिसका जो डायमीटर होता है वो कितना 0.1 to 3.5 माइक्रोमीटर का जो पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, अब काइलोमाइक्रोन्स है, काइलोमाइक्रोन्स थ्रू दिस सेल्स एग्जिस्ट होते हैं, एक्जोसाइटोसिस प्रोसेस, एक्जोसाइटोसिस के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, देखो इस सेल से एक्जोसाइटोसिस के द्वारा ये बाहर चला जाता है एंड एंड गोस टू द लिम्फ, लिम्फ में आता है, कहाँ आता है, लिम्फ के अंदर आ जाता है, एक्जोसाइटोसिस के द्वारा सेल से बाहर निकला, देखो और कहाँ पे चला गया, तो एक्जोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकला है और लिम्फ के अंदर चला गया, लिम्फ वेसल्स के अंदर चला गया, ठीक है, लिम्फ वेसल से क्या होता है, ये लिम्फ वेसल से इट रीच टू द या ट्रांसफर टू द वेन, इस ब्लड वेन, ब्लड वेन के अंदर जो प्लाज्मा होता है, तो ब्लड वेन के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर एक लाइपेज प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंजाइम फर्दर डिसोसिएटेड इनटू द मोनोग्लिसराइड एंड फैटी एसिड, ठीक है, इसको वापस किस में तोड़ देता है, वहां पर लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, देखो थ्रू द लिम्फ सिस्टम रीच टू द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, इन द ब्लड प्लाज्मा विद द हेल्प ऑफ लाइपेज दीज आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड, और वहां पर वापस किस में चेंज होता है, ब्लड के अंदर जाके मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड के अंदर वापस चेंज हो जाता है, ठीक है, रूपांतरित हो जाता है, तो इस प्रकार से ब्लड के अंदर पहुंच गया फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड पहुंच गया, इस प्रकार से ये जो होता है फैटी एब्जॉर्प्शन का टेक्निक बताई गई है, ठीक है, थ्रू द काइलोमाइक्रोन और मिसेल। इसके बाद आती है विटामिन एंड साल्ट आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, विटामिन की बात करते हैं और जो साल्ट की बात करते हैं, एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्ब बाय ओनली बाय डिफ्यूजन इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब जो होता है कहाँ से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डिफ्यूज बाय डिफ्यूजन जो होता है, ठीक है, सम विटामिन आर ऑल्सो एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये बच्चों तो अपने डिस्कशन किया है, ये था एब्जॉर्ब ऑप्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड आइटम, ठीक है, जो आपकी बुक्स के हिसाब से मैंने डिस्कस किया है और थोड़ा इजी है बिल्कुल, आप देख लो किस किस प्रकार से ना सारी समझ आ जाएगा आपके, और इसके बाद अपन ने एक टेबल तो डिस्कस कर ही चुके हैं जो विटामिन वाली, और इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपन डिस्कस करेंगे, तो आज के एग्जाम में तो इतना बहुत है, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप बोर्ड को अच्छे से, ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों, धन्यवाद।